बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक जवान लड़का था। वो एक दिन क्रोधित होकर पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़ता चला जा रहा था, और जब वो चोटी पर जा पहुंचा, तब वो जोर से चिल्ला उठा कि आखिर इस दुनिया में मेरी रहने का क्या मतलब है? यहाँ पर जीने का कोई भी फायदा नहीं, इसलिए मैं आज अपने जीवन को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। उसी पहाड़ी से गुजर रहे एक बौद्ध भिक्षु जिनके कानों में ये आवाज पड़ी, वो तुरंत उस युवा लड़के की ओर चल पड़े। वो जवान लड़का पहाड़ी से बस कूदने ही वाला था कि तभी वहाँ पर वो बौद्ध भिक्षु उस युवा का हाथ पकड़कर पीछे की ओर खींच लेते हैं और फिर उससे कहते हैं, बेटा आगे कहाँ जा रहे हो? आगे कोई रास्ता नहीं, रास्ता तो खत्म हो चुका है। लेकिन वो जवान लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने कहा, हट जाइए आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? मैं यहाँ पर कोई रास्ता तय करने नहीं आया, बल्कि मैं तो यहाँ पर अपने इस जीवन को खत्म करने आया हूँ। इसका जवाब देते हुए वो बौद्ध भिक्षु उस युवा लड़का से कहते हैं, बेटा एक दिन तो इस दुनिया से सभी को जाना है, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें किस बात ने परेशान किया हुआ है? इस बात पर वो जवान लड़का कहता है, ये दुनिया बहुत ही स्वार्थी है। लोग केवल अपने मतलब के लिए यहाँ पर जीते हैं। यहाँ पर लोगों को धोखा देना कोई भी बड़ी बात नहीं, इसीलिए मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। इस दुनिया में मेरे रहने का कोई भी अर्थ नहीं, जिस पर भी भरोसा करूँ वो केवल धोखा ही देता है। तो ऐसे में लोगों पर विश्वास कैसे किया जाए, कैसे उनकी बातों पर यकीन किया जाए? ये सारी बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उस युवा लड़का से कहते हैं, अच्छा अगर यही बात है तो क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ? इस पर वो जवान लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आप चाहे तो मेरे घर पर या फिर मेरे गांव वालों से या फिर मेरे आस पड़ोस के लोगों से पूछ सकते हैं। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, न ही किसी के साथ विश्वासघात किया है। लोगों ने अभी तक मेरा फायदा ही उठाया है, कईयों ने तो मुझे धोखा भी दे दिया है, लेकिन मैंने अभी तक किसी को कभी भी कोई भी धोखा नहीं दिया है। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस युवा लड़का से कहते हैं, तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम कुछ ऐसा करो जिससे मुझे तुम पे विश्वास हो सके कि तुम कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते। इस पर वो युवा लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, महाराज मैं ऐसा क्या करूं कि आपको मुझ पर भरोसा हो सके कि मैं कभी किसी से विश्वासघात नहीं करता। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस युवा लड़का से कहते हैं, अगर तुम मुझे विश्वास दिलाना चाहते हो कि तुम सही हो, तुम किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते, तो तुम्हें मेरे साथ मेरे आश्रम चलना होगा और वहाँ पर तुम्हें एक साल तक मेरे साथ ही रहना होगा। तभी मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान सकूंगा, पहचान सकूंगा, और मुझे ये भी पता चल पाएगा कि क्या तुम सच कह रहे हो या फिर तुम भी लोगों के साथ धोखेबाजी करते हो। उस युवा लड़के के मन में क्रोध था। वो किसी भी हालत में उन बौद्ध भिक्षु को ये साबित करना चाहता था कि मैं सही हूँ और मैं लोगों के साथ धोखेबाजी नहीं करता। इसलिए वो युवा लड़का उस बौद्ध भिक्षु के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो बौद्ध भिक्षु उस युवा लड़का को अपने साथ आश्रम ले जाते हैं और उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। उस नए शिष्य के पहले ही दिन वो गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, जाओ तुम भिक्षा मांग कर ले आओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम सच कहते हो, तुम पर कोई विश्वास नहीं है, इसलिए भिक्षा मांग कर लाओ, तब हो सकता है कि मैं तुम पर कुछ यकीन कर लूं। उस युवा लड़के ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहाँ से भिक्षाटन के लिए निकल पड़ा। पहले पहले दिन उस युवा लड़के को भिक्षा मांगने में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उसकी जुबान से भिक्षाम देही ये शब्द भी निकलना बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसा कि वो अपने आप को उन बौद्ध भिक्षु के नजरों में सही साबित करना चाहता था, इसलिए उसने किसी भी तरह से भिक्षा मांग ही ली।
हालांकि भिक्षा मांगने से उस युवा लड़की के अहंकार को एक गहरी ठेस लगी। उसे बहुत ही बुरा महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसने उन बौद्ध भिक्षु को गलत साबित करने के लिए और अपने आप को सही साबित करने के लिए भिक्षा मांग ही ली। और भिक्षा मांग कर जब वो बौद्ध भिक्षु के पास वापस पहुंचा, तब उसने वो भिक्षा उन गुरुवर के सामने रख दिया। ये देखकर उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम थोड़े तो भरोसे के लायक तो हो कि तुमने आज भिक्षा मांग कर ये तो साबित कर दिया है कि शायद तुम पे थोड़ा तो विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि तुम भिक्षा मांग पाओगे। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु उस युवा लड़के को अपने साथ कुटिया के अंदर ले गए और वहाँ पर उस कुटिया के अंदर एक घड़े में कुछ लटका हुआ था। तभी वो शिष्य उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, उस मटके में क्या है? तभी वो बौद्ध भिक्षु उसका जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, ये एक विष है और ये विष ऐसा है कि ये यदि किसी को दे दिया जाए तो वो व्यक्ति बड़े ही आराम से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उस व्यक्ति की मौत कैसे हुई। आगे वो गुरुवर उस युवा लड़का से कहते हैं कि इस बात का ध्यान रखना और कभी भी इसे छूने की गलती ना करना। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन अचानक वो बौद्ध भिक्षु अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहे थे। तभी अचानक कुछ लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया और उनके कई शिष्यों को घायल तक कर दिया, जिसमें से कुछ शिष्य वहाँ से उठकर भाग गए और कुछ शिष्यों ने अपने गुरुवर को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो असमर्थ थे। लेकिन वहीं पर वो युवा शिष्य भी था जिसने उन गुरुवर को अपनी जान पर खेलकर बचा लिया। ये सब देखकर वो बौद्ध भिक्षु बड़े ही प्रसन्न हुए। आश्रम वापस लौटने के बाद उन्होंने अपने उस युवा शिष्य की खूब प्रशंसा की, उसकी खूब तारीफ की। वो कहने लगे कि तुम लोगों से तो अच्छा, ये मेरा युवा शिष्य है जिसने मेरी जान बचाई है, जिसने अपनी जान पर खेलकर मुझे उन लुटेरों से बचाया है। मुझे अब इस पर पूरा भरोसा है और अब मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ। तब से जब भी वो बौद्ध भिक्षु उस युवा लड़का से मिलते थे तो वो उससे एक बात अवश्य कहते थे कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिन बीत गए। वो बौद्ध भिक्षु उस युवा लड़के पर अत्यधिक विश्वास करने लग गए थे। उनका विश्वास इतना बढ़ चुका था कि एक दिन अचानक अपने उस युवा शिष्य को अपनी कुटिया में बुलाया और उसे कहने लगे, बेटा, मेरा कोई पुत्र नहीं है और तुम मेरे पुत्र के समान हो। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है और समय के साथ मेरी उम्र भी ढलती जा रही है और मैं अब काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मेरी मृत्यु के बाद मैं ये आश्रम तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। इसकी देखभाल अब तुम्हें करनी होगी। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों को वहाँ पर बुला लेते हैं और ये घोषणा करवा देते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद इस आश्रम की भागदौड़ ये युवा लड़का संभालेगा। ये बात सुनकर वो युवा शिष्य बहुत ही प्रसन्न हो चुका था। उसे लगने लगा था मानो अब वो आश्रम उसी का हो चुका है, लेकिन फिर भी उसे अपने गुरुवर की आखिरी सांस का इंतजार था। वो रोज इसी इंतजार में रहता था कि कब उसके गुरुवर आखिरी सांस लेंगे और ये आश्रम उसका हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उसकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ती जा रही थी और उन बौद्ध भिक्षु की तबीयत भी पहले से काफी सुधर चुकी थी। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ वो युवा शिष्य अब ये सोचने में लग चुका था कि किस तरह उन बौद्ध भिक्षु को अपने रास्ते से हटाया जाए और ये आश्रम पर किस तरह से अपना कब्जा किया जाए। उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लग चुके थे। वो किसी भी हालत में उन बौद्ध भिक्षु को अपने रास्ते से हटाना चाहता था और उस आश्रम पर अपना राज जमाना चाहता था। उसने कई तरह के हथकंडे भी अपनाई, लेकिन उससे कोई बात नहीं बनी। एक दिन वो उन बौद्ध भिक्षु की कुटिया में घूम रहा था
तभी उसकी नजर अचानक उस घड़े पर पड़ी जिसके अंदर जहर भरा हुआ था, और उसे उन गुरुवर की बात भी याद आई कि ये विष बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसका असर किसी को पता भी नहीं चलता। उसके दिमाग में एक और नई योजना तैयार हो गई। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने गुरुवर को यही विष देकर अपने मार्ग से हटा दूं। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा, क्योंकि गुरुवर मुझ पर अत्यधिक विश्वास करते हैं। ये सोचकर उसने अगले ही दिन सुबह सुबह जब वो भोजन लेकर अपने गुरु के पास जा रहा था, तभी उसने चुपके से उस मटकी में से थोड़ा सा विष निकाल लिया और उस खाने में मिला दिया। अब उस अपने नए शिष्य पर वो बौद्ध भिक्षु इतना भरोसा करने लग गए थे कि उन्होंने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि ये नया शिष्य मुझे धोखा दे सकता है। उन्होंने उस भोजन को बड़े प्यार से ग्रहण किया और फिर वो सोने के लिए चले गए। देखते ही देखते वो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। और जब वो अगले दिन सुबह में वो बौद्ध भिक्षु अपने बिस्तर से जब नहीं उठे, तो सभी शिष्य वहाँ पर एकत्रित हो गए। वो देखकर सभी लोग हैरान थे कि अचानक गुरुवर को क्या हो गया, वो क्यों नहीं उठ रहे। ये जानने के लिए उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य ने गुरुवर की जांच पड़ताल की और उसने पाया कि गुरुवर की सांसें थम गई है, वो अब मृत्यु को प्राप्त हो गए है। ये बात सुनकर वो युवा शिष्य अत्यधिक प्रसन्न हुआ और अब वो युवा शिष्य उस पूरे आश्रम पर अपना कब्जा जमाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन वहाँ पर उपस्थित उन गुरुवर का एक पुराना शिष्य भी था जो चुपचाप खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था, और उसे उस युवा शिष्य पर शक भी था। इसीलिए उस पुराने शिष्य ने अपनी कुटिया में गया और वहाँ से कुछ औषधियाँ लाया और उन औषधियों को उन गुरुवर को पिला दिया। देखते ही देखते कुछ ही समय बाद एक बार फिर से पूरी तरह से स्वस्थ नजर आने लगे और वो उठकर बैठ गए। ये देखकर वहाँ पर उपस्थित सभी शिष्य खुशी के मारे झूम उठे। लेकिन वहीं पर वो जो युवा शिष्य था, ये सब देखकर बड़ा ही अचंभित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने जो विष उन गुरुवर को दिया था, आखिर उसने काम क्यों नहीं किया। ये सब देखकर अत्यधिक घबरा चुका था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने वहाँ पर उपस्थित सभी शिष्य को अपनी कुटिया से बाहर जाने का आदेश दिया। गुरुवर के आदेश पर सभी शिष्य वहाँ से बाहर चले गए और तभी उन बौद्ध भिक्षु ने अपने उस युवा शिष्य को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगे, बेटा क्या तुम पर अभी भी विश्वास किया जा सकता है? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? तुम तो कहते थे कि तुमने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, तो फिर ये क्या था? इतना सुनकर वो युवा शिष्य उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैं नहीं जानता मेरे अंदर ये लालच कब उत्पन्न हुआ, मुझसे ये कैसे हो गया। मैंने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया था, बल्कि लोग ही मुझे धोखा दिया करते थे, पर पता नहीं मेरे मन में ये लालच कैसे उत्पन्न हुआ और मैंने ये सारा काम किया और मैंने आपको धोखा दे दिया। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस युवा शिष्य से कहते हैं, बेटा तुम मुझे धोखा तब देते जब मैं तुम पर विश्वास करता, पर मैंने तो तुम पर कभी भी विश्वास किया ही नहीं। मैं कभी भी किसी भी मनुष्य पर विश्वास नहीं करता। मैं तो अपने कान नाक आँख मुंह सब खुले रखता हूँ। मैं जो देखता हूँ मैं उसी पर यकीन करता हूँ, और मैंने तुम्हारे अंदर पहले ही लालच देख लिया था। और इस कुटिया की बातों का जो मैंने लालच तुम्हें दिया था, ये भी मैंने तुम्हें जानबूझकर दिया था, क्योंकि इंसान किसी के साथ विश्वासघात भी तभी करता है जब उसका कोई लालच हो, और कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को धोखा तब देता है जहाँ पर उसका स्वार्थ हो, लालच हो या कोई भी उसकी ईर्ष्या हो। पर वो युवा शिष्य
उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर आप बिल्कुल सही है, मेरे मन में इस आश्रम की बागडोर अपने हाथ में लेने का लालच अवश्य था, लेकिन अब मुझे इससे बचने का कोई रास्ता बताइए, मुझे बताइए कि कैसे मैं इन विकारों से दूर रह सकता हूँ, इन विकारों से बच सकता हूँ। आगे वो गुरुवर उन शिष्य से कहते हैं, बेटा अपने आप को पढ़ना सीखो, जानना सीखो, मनुष्य के भीतर असीम संभावना है, फिर वो चाहे कुछ भी हो सकता है। जब तुम कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो या फिर तुम कुछ बनना चाहते हो, तुम्हारे अंदर अनेक प्रकार के परिवर्तन आएंगे, उस समय तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना होगा, तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तित हो रहा है, तुम्हारे अंदर ये जो बदलाव आ रहा है उसकी वजह क्या है, क्यों तुम्हारे अंदर ऐसा बदलाव हो रहा है, ये बदलाव अच्छा है या फिर बुरा है। ये सारी बातें सुनकर वो युवा शिष्य उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और सदैव आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं कैसे बदल जाता हूँ, मेरे अंदर न जाने कब ये लालच उत्पन्न होता है, ये सारी बातें मैं जानना चाहता हूँ, मैं इस ज्ञान को हासिल करना चाहता हूँ। ये सारी बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उस युवा शिष्य से कहते हैं, बेटा तुम अपने आसपास अपने इस समाज में ऐसे न जाने कितने लोगों से मिलोगे जो यही कहेंगे कि मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता, मैं कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करता, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि जब कोई व्यक्ति ये देखता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं चाहे कुछ भी करूं, वो व्यक्ति मुझ पर अत्यधिक विश्वास करता है, वो मेरी बातों को कभी नहीं टालता, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, उसे कुछ भी नहीं पता चलेगा, तभी वो उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात करता है, अपने आप को बचाने के लिए वो अनेक प्रक्रिया भी अपनाता है, तरह तरह के झूठ भी कहता है, और यहाँ तक कि वो अपने आप को बचाने के लिए किसी और को फंसाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता, और जब अंत में वो फंस जाता है, उसका सच जब सभी को पता चल जाता है, तब वो ये कहता है कि ये तो मेरी मजबूरी थी जिस कारण मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन वो ये भूल जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को विश्वासघात करता है तो वो उसकी आंतरिक चेतना को आघात पहुंचाता है, और ये आघात इतना गहरा होता है कि दूसरा व्यक्ति कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाता, और उसका मन इतना कठोर हो जाता है कि वो कभी भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाता, और वो जीवन भर केवल खुद के भरोसे ही रहता है, और वो सदा के लिए अपने आप को अकेला पाता है। इसीलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम भी अपने जीवन में कभी धोखा ना खाओ, कोई तुम्हारे साथ विश्वासघात ना करे, तो अपनी आँख कान नाक दिमाग सोच समझ खुला रखे, लोगों पर भरोसा करे, लेकिन उतना ही जितना ही आपकी जरूरत है, जरूरत से ज्यादा यदि आप उन पर यकीन करते हैं, तो एक न एक दिन आपके साथ धोखा अवश्य होगा। हमेशा अपने जीवन से जुड़ी हर एक चीज, फिर चाहे वो कुछ भी हो, उसकी बागडोर हमेशा अपने हाथ में रखे। आप चाहे किसी पर भी कितना भी यकीन क्यों ना करते हो, अपनी जीवन की बागडोर कभी किसी दूसरे के हाथ में ना दे, और बीच बीच में अपने आप को और उस व्यक्ति की भी जांच पड़ताल करते रहे कि कहीं जिस धोखे से आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं वो दूसरा व्यक्ति आपके साथ वही करने के लिए तैयार तो नहीं है, और जब भी आपके साथ कभी कोई धोखा करे, कोई विश्वासघात करे, तो मायूस होकर बैठे ना, क्योंकि यही हमारे जीवन का अनुभव है। आप ऐसे मायूस हो जाएंगे, फिर आप इस अनुभव का फायदा कभी नहीं ले पाएंगे। हमारे जीवन में जब भी ये घटनाएं होती है, तो इससे कुछ सीखने का प्रयास करें, और हो सकता है आपके सगे संबंधी या परिवार वालों में
किसी ने आपको धोखा दिया हो या फिर आपको कोई गलत फहमी हो गई हो तो कोशिश कीजिए उन लोगों से बात कीजिए और उस गलत फहमी को दूर करने की कोशिश कीजिए, उसे समझने की कोशिश करें और फिर हो सके तो उन्हें माफ करें, क्योंकि माफ करने का अर्थ ये नहीं है कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ धोखा किया है वो सही है, बल्कि माफ करने का अर्थ ये है कि अब आप उस चीज को भूलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है, और यदि आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर आप हमेशा के लिए उसे धोखे में फंसे रह जाएंगे और आप अपने जीवन को भी पूरी तरह से व्यर्थ कर देंगे। आप कभी अपने अच्छे के लिए या फिर आगे के लिए नहीं सोच पाएंगे, इसीलिए माफ करना आवश्यक है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। तो दोस्तों, अंतिम में जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।